आप नजदीक से देख सकते हो इस बोट को कितनी बड़ी और हेवी है। देख सकते हो बोट का हॉर्न भी बजा आपने शायद सुना हो तो। हम अलंग आए हैं और देखो ये अलंग का नजारा, कितनी सारी बोटें, हम तो देख कर ही इतना खुश हो गए। तब भी लोग तोड़ रहे हैं तो हम तो बहुत निराश होते कि ऐसी बोट क्यों तोड़ते हैं। आज का वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना, बहुत इंटरेस्टेड वीडियो आने वाला है। आप देख सकते हो कितनी क्रेन खड़ी हुई है, ये बोट कैसे टूटती है, पूरी प्रोसेस हम दिखाएंगे। अभी आज को हम जो बोट दिखाने वाले वो एक साल से टूट रही है, एक साल हो चुका है बोट टूटी हुई। आप देख सकते हो ये सब पार्ट्स निकल चुके हैं, वो है एक साल तक टूट रही है तो भी इतनी अभी टूटने के बाकी है। ये सब बोल है, आप देख सकते हो कितने लोग काम करते हैं इस बोट में। एक साल से टूट रही है और दो महीना फिर होगा। देखो इतनी सारी बोट तुम यहाँ देखो, एक एक पार्ट बहुत हेवी होता है तो वो सब भर रहे हैं। આવડે છે ને ગુજરાતી? તો વાંધો નહી, એવું જ કે સબ એન્જિનિયર हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हो, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। नीचे लाल बटन पर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको पूरी बोट की पद्धति इस वीडियो में दिखाएंगे कि अलंग में बोट कैसे टूटती है। ये सब वाहन आप देख सकते हो कि ये सब गाड़ियां है जो अंदर अंदर ट्रांसफर होने के लिए बनी हुई थी। अब देख लो ये सब, इसके पार्ट देख लो, बड़ी बड़ी हेवी क्रेन यहाँ काम करती हुई दिखाई देगी। ऐसे कितने लोग काम करते हैं और एक साल से ये बोट टूट रही है, अभी भी तो ही इतना टूटना बाकी है। इसमें बहुत टाइम लगता है। एक दूसरी बोट जो आपके देख रहे हो वीडियो में सामने, वो है अपने देखा, ये बोट अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हो एकदम नई आई हुई है, वो टूटने के लिए कितनी बड़ी है। इसमें आदमी भी छोटे छोटे नीचे से दिख रहे होंगे, आप देख सकते हो यहाँ से ऐसे कंटिन्यू ट्रैक्टर ट्रक लोडिंग होता रहता है। तो पीछे कार देखो कितना हेवी है, ये साकड़ देख लो, साकड़ का एक कड़ा हमसे नहीं उठ सकता। सामने ऐसे देखो ढेर लगा हुआ होगा, हर सामान को ऐसे क्रेन में से उठा के ऐसे ट्रैक्टर ट्रक में डालते रहते हैं और हर रोज का कितना ऐसा भंगार यहाँ से बिकता है। इस बोट को टूटे हुए एक साल हो चुके हैं, उसमें से अच्छा अच्छा फर्नीचर वो सब बेच दिया है, अब सिर्फ लोखंड वगैरह ही बाकी रहा है। वैसे यहाँ हजारों बोटें आती रहती है टूटने के लिए। तो फैमिली है, हमारा फैमिली निरीक्षण करता हुआ आप देख सके होगे, यतांश कितना आश्चर्यचकित हो चुका है कि एक इतनी बड़ी बोट कैसे हो सकती है। उसने अभी तक होड़ी ही देखी है, आपने वीडियो देखा होगा, होड़ी में ही बैठा हुआ है। क्रेन येलो कलर की आप देख सकते होगे, वहाँ कारीगर लोग उसको तोड़ते हैं और येलो क्रेन से सामान लेकर वो नीचे रखते हैं। नीचे छोटी क्रेन काम करती है, उसमें से टेम्पो वगैरह भरता है। ये तो पार्ट आप देख सकते हो कितना बड़ा और हेवी है। मैं आगे जाता हूँ, क्रेन देखो आप, इस क्रेन से सब माल लोडिंग होता है और ट्रैक्टर में भरता है। मेरे पीछे आप बोट देख सकते होगे, ये भाग में पूरी ट्रेन होती है। मैं आगे जाता हूँ, आप आगे बचते रहिए मेरे, मैं बोट कैसे टूटती है वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ सब ये बोट का कोई एक भाग है वो तोड़ रहे हैं, आपको अंदर से दिखाई देगा होगा, वो गैस वेल्डिंग से टूटता है। मैं जल्दी से दिखाता हूँ, वीडियो में ध्यान से दिखाओ। ये देखो एक गैस वेल्डिंग से टूटा हुआ है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े पार्ट्स को लोखंड के ऐसे तोड़ते हैं और अलग अलग देखो ये टुकड़े बनाए, सब एक पार्ट से अलग अलग बनाए हुए होते हैं। यहाँ अंदर ऐसा काम चल रहा है, वो लोखंड को अलग अलग तोड़ रहे हैं, उसको भी लोडिंग करके पूरा बेच दिया जाता है। यहाँ से बोट में से जितना सामान आता है
उन सबको अलग अलग डिवाइड करते हैं, जो खेती के लायक होता है, जो फर्नीचर आता है और लोखंड का इलाका था, ऐसा अलग करके यहाँ से होलसेल में से अलग अलग भाग में डिवाइड किया जाता है। फिर वो होलसेल वाले ले सकते हैं, छूटक कस्टमर यहाँ से कोई नहीं ले सकता, उसके लिए आगे एक मार्केट है वहाँ से मिलेगा। यहाँ आने की परमिशन किसी के पास नहीं है, यहाँ कोई भी पब्लिक देखने के लिए और अंदर कंपनी में एंटर भी नहीं हो सकता। मेरे पीछे यहाँ देखो एक क्रेन आई हुई है, सामान लेने आई हुई है, जरा आगे आ जाना देखो, ये येलो क्रेन है, सामान लाई हुई है। जो जो सामान पूरे दिन में यहाँ से खर्च होता रहता है वो ऐसे लाते हो और नीचे रखते रहते हैं, उसके बाद ये क्रेन उसको सामान को लोडिंग कर देती है। यहाँ देख सकते हैं लोकल का पाइप है जो इससे बोट बंधी हुई है, वो वहाँ तक जाती है, बोट बंधी हुई है, बोट आदमी से ज़्यादा टूट चुकी है। अब देख सकते हो मीटर है, बोट का हॉर्न भी बजा अपने साइड में, वो इंजीनियर लोग है जो यहाँ पे सब काम कैसे करना वो देखभाल करते हैं। देखो ये तो काम कैसे लगा है, ये सिर्फ वेल्डिंग के कट किया हुआ है, आप देख सकते हो ये तो काम कैसे लगा है। ये बहुत ऊँचाई तक है, आप देख सकते हो येलो वाला बात है, ये अलग से क्रेन बनाई गई है जो पानी के ऊपर घेर के और येलो क्रेन सब काम से छोड़ने का खर्च है। बोट का अंदाजित कीमत समझ लो कि एक सबमर केवल बोट आती है, उसकी अंदाजित कीमत 400 से 500 करोड़ रुपये तक होती है। इंडिया का नंबर वन ये जगह है जहाँ से हर बोट छूटती है। उसके ऊपर आदमी खड़ा है, इतना छोटा छोटा दिख रहा है, बोट बहुत ऊँची है। जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पंखा है, वो झूम करके दिखा दे, जहाँ से बोट चलती है वो बात दिखा दो। ये जो बोट है हमारे पीछे, वो बोट दरिया में जो खनिज होता है, हमारे यहाँ बोरवेल पानी के अंदर जो खुदाई करते हैं और खनिज निकालते हैं, वैसे ही ये बोट अंदर से खनिज निकालती है। ये बोट इसमें यूज होती थी। में आप यहाँ आओ तो बहुत सारी बोट टूटी हुई देखने को मिल जाएगी। मेरे साथ यहाँ देखते रहिए, ये सब अलग अलग प्लॉट पड़े हुए हैं, हर एक प्लॉट में एक एक बोट होती है, बोट टूटने का पूरा कॉन्ट्रैक्ट उसके पास होते हैं। यहाँ पीछे भी बोट है, आप यहाँ भी देख सकते हो, जितनी क्रेन देख रहे हैं सब बोट वाइज होती है, सबको अलग अलग बोट और फिक्स टाइम पे उसको तोड़ने का रहता है, आप देख सकते होगे। यहाँ किसी भी पब्लिक को आने के लिए साफ साफ मना है, कंपनी में किसी को एंट्री नहीं मिली, हम आपके लिए आए, यहाँ किसी को और के एंट्री नहीं मिलेगी। आप हमने इतनी मेहनत आपके लिए की है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।